नमस्कार, देवदर्शी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हरे भरे। हालांकि ये थोड़ा ग्रेवी बनता है, लेकिन आज मैं इसको ड्राई वर्जन में बनाया हूँ। ये खाने के लिए जितना स्वादिष्ट है, बनाना भी उतना ही आसान बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने मत भूलना। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन का बटन आता है, उसे भी याद से जरूर दबाना, जिसके दौरान मेरा हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो बिना देरी करके चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन हरे भरे। तो चिकन हरे भरे बनाने के लिए आज हमने लिया है चिकन, जो कि 250 ग्राम है। उसके साथ हमने लिया है कटी हुई प्याज, एक कटोरी दही, हालांकि इससे थोड़ा कम लगेगा हमें, 4 से 5 टेबलस्पून तेल, कटी हुई धनिया पत्ता, कटी हुई पुदीना, कुछ लहसुन का कलिया, 2 हरी मिर्च, कटी हुई अदरक, इसमें है धनिया और जीरा का पाउडर। मैंने एक स्पेशल मसाला तैयार किया है, जिसका मैं इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और थोड़ा खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा काली मिर्च, एक काला इलायची, 2 हरे इलायची और कुछ जायफल का टुकड़े। तो बिना देरी करके चलिए बनाते हैं हमारा चिकन हरे भरे। देखिए, हम अब गैस में एक पैन बिठा चुके हैं, तो पहले बनाएंगे इसका मसाले। मसाले बनाने के लिए हम पहले डालेंगे तेल। तेल थोड़ा गरम होने के बाद जो हमने खड़े मसाले रखे थे उसको डाल देंगे। खड़े मसाले थोड़ा अच्छे से इसका फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू पकड़ ले, उसको थोड़ा ऐसे चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से मिलाएंगे। याद रखना, अभी जो मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी दौरान हमें कुछ भी हल्दी, नमक या कुछ भी नहीं डालना है। और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ते हैं। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का कलिया और कटी हुई अदरक, और इसे और थोड़े टाइम के लिए अच्छे से चलाएंगे। ये चिकन हरे भरे में हम टमाटर का यूज नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम दही का यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो दही अगर स्किप करोगे तो टमाटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा आप टमाटर के बदले दही यूज कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। अब देखिए, हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में दही के साथ इसको अच्छे से पेस्ट बना देंगे। देखिए, अब हमारा मसाला का पेस्ट दही के साथ बन के तैयार है। अब हम दोबारा उसी पैन को गैस में बिठाते हैं और हम अब और थोड़ा ऑयल इसमें ऐड करेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। एक बार ऑयल थोड़ा सा गर्म होने लगे तो उसमें हमने जो मसाला बनाए थे उसको अब ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा अच्छे से ऐसे ही मिलाएंगे। याद रखना, इसको अच्छे से मिलाना, क्योंकि इसमें दही है तो गैस का फ्लेम हमने थोड़ा कम करके डाला, जिसके दौरान दही फटने का चांसेस कम है, तो इसीलिए इसको अभी केयरफुली मिलाना। अब गैस का फ्लेम हम धीरे से
ज्यादा कर देंगे। और इसी दौरान हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अच्छा कलर आने के लिए थोड़ा सा हल्दी और हमने जो रखा था जीरा और धनिया का पाउडर। चिकन हरे भरे बनाने के दौरान मैं कभी भी लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने जो काली मिर्च डाला है और हरी मिर्च ये काफी तीखा है। और दूसरी बात, मैं इसमें जो पुदीना और धनिया का पत्ता भी डालूंगा तो ये थोड़ा हरा कलर अच्छे से आएगा, इसीलिए मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है। आप चाहो तो डाल सकते हो ऐसे ये। एक बार अगर आपका मसाला अच्छे से भून जाए और साइड से ऐसे तेल निकलने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मसाला परफेक्टली भून चुका है, तो ये परफेक्ट टाइम है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब हम चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिला के भूनेंगे, जैसे कि मसाला का एक अच्छा कोट चिकन के ऊपर आ जाए। एक बार अगर मसाला का अच्छा कोट चिकन के ऊपर आ जाए उसके बाद हम डालेंगे घर पे बनाया हुआ गरम मसाले और इसे ऐसे ही और मिलाएंगे। और इसे 5 से 7 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे। एक बार चिकन 5 से 7 मिनट पकने के बाद हम उसमें डालेंगे हमारा धनिया और पुदीना कटा हुआ पत्ता। अब हमारा 5 से 7 मिनट का टाइम हो चुका है, हम देखते हैं तो चिकन भी अभी थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा पका है, तो चिकन का जो कलर थोड़ा व्हाइट हो चुका है। तो इसी दौरान अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए धनिया और पुदीने के पत्ते। कोई कोई अगर हरे भरे चिकन बनाते हैं तो इसमें आप इसका पेस्ट भी डालते हैं, धनिया और पुदीना का पेस्ट डालते हैं, लेकिन आप कभी इसी तरीके से भी बना के खाइएगा, ये भी बहुत अच्छा बनता है। और इसमें आपको कुछ भी पानी वगैरह देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुदीना और चिकन पुदीना और धनिए के पत्ते से भी पानी निकलता है और इसको धीमी धीमी आंच में ये बन के तैयार हो जाएगा हमारा हरे भरे चिकन, जो कि आप चाहो तो इसमें ग्रेवी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको आज ऐसे ही ड्राई बनाऊंगा। आप चाहो तो इसको रोटी चावल के साथ भी खा सकते हो, लेकिन ये रोटी और पराठा के साथ काफी अच्छा जाएगा। इसको हम और थोड़ा ढकेंगे और 15 मिनट तक धीमी धीमी आंच में ऐसे ही पकाते रहेंगे। अब हमारा लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन वो धनिया और पुदीना पत्तों के साथ कितना अच्छे से मिल के पक चुका है, क्योंकि हमने बनाने के दौरान इसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं दिया था। ये बस चिकन से जो थोड़ा बहुत पानी निकला और धनिया और पुदीना पत्तों से जो पानी निकला बस उसी में हमारा चिकन बराबर से अच्छे से भून भून के बन चुका है। और
देखिए हमारा चिकन अभी बनके तैयार है, तो मैं आपको मिलता हूँ फाइनल प्लेटिंग के साथ। कितना लजीजदार बना है हमारा चिकन हरा भरा। देखिए अब प्लेटिंग के साथ हमारा चिकन हरा भरा बनके तैयार है। ये जितना डिलीशियस दिख रहा है खाने में भी उतना ही डिलीशियस है। आप इसे रोटी, चावल, पराठों के साथ सर्व कर सकते हो। अगर मेरा बनाया हुआ चिकन हरे भरे की रेसिपी आज आपको जरा सा भी पसंद आया हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने मत भूलना, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर दबाना, जिसके दौरान मेरा हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो अगर बनाने के दौरान मेरे से कुछ भी गलती हुआ हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मुझे गाइड करना। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड टुडेस ब्लॉग। होप यू ऑल एंजॉय योर डे। थैंक यू।